10 दिन में कितना हो पाता है? क्या तारीख का दिन? कोई गारंटी नहीं है उसका, 10 दिन में जाएंगे नहीं जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। नहीं हो जाने का वो भी हो सकता है, तो संभावना है रहने का। संभावना 10 दिन तो फिक्स है, रहबे करेंगे। 10 दिन के बाद क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है, अनिश्चित घटना है उसके समझ में आ गया ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बातों को स्टार्ट करते हैं, है ना। और कल तक प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएंगे। परसों से कौन चैप्टर पढ़ेगा मैथ में? परसों से मैथ में? हाँ मैथ में आती है जो कहेगा पढ़ा देंगे। चलो हम लोग पढ़ते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता एक बता दिए थे ना। किसी घटना के होने की प्रायिकता मतलब P, और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, है ना। P E नहीं, P E नहीं, यह हुआ किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? इसका जोड़ 1 होता है। किसी PE मतलब हुआ कि घटना E के होने की प्रायिकता, और PE नहीं मतलब घटना E के नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। घटना E के होने की प्रायिकता प्लस घटना E के नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। अच्छा, अब इसे हम लोग देखते हैं, या इसी को बुक में ऐसे लिखे होंगे PE प्लस P-E, PE प्लस P-E लिखे होंगे, ऐसे लिखे रह सकते हैं बुक में, है ना। इस प्रॉब्लम को ऐसे लिखे रह सकते हैं। PA प्लस PA-, है ना, P-E लिखे हैं यहाँ पर हम। P- ऐसे नहीं होंगे, अंदर में डैश होंगे, उसमें नहीं होंगे। ई नहीं मतलब ई डैश होता है, सुबह चर्चा भी किए थे हम लोग, ऐसे लिखे होंगे। तो एक ई नहीं मतलब ई डैश का मतलब क्या होता है? ई नहीं, तो उसका जोड़ कितना होगा? 1 होगा। तो किसी घटना के होने की और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होगा? 1 होगा। ये बात होती है, और याद कर लेना तुम्हारे कोर्स में, याद करने के लिए प्रूफ नहीं है तुम्हारे कोर्स में, इसीलिए सिर्फ याद करना है। ई हुआ घटना ई घटने की प्रायिकता, ई डैश हुआ घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता, और दोनों का जोड़ करेंगे कितना मिलेगा हमको? 1। बस इतना थ्योरी ही है तुम्हारे बस सिलेबस में कंप्लीट हुआ प्रायिकता का थ्योरी। अब ताश के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, वो तो खैर टर्म एक ठो है, है ना। ताश के बारे में सारा जानकारी लेते हैं। ताश की गड्डी, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, और ये 52 पत्ते वो रथी वाला निकाला, थी वाला फिगर ताश वाला। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 26 होते हैं लाल का, लाल कलर का, है ना। रेड का होता है, रेड टोटल दो कलर होता है ताश में, 26 रेड और 26 क्या होंगे? ब्लैक होंगे, 26 ब्लैक होंगे और ये काला होते हैं। ये जो होंगे लाल जो पत्ते होते हैं, इस लाल पत्ते को फिर हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक होता है इसमें लाल पान होती है जिसे हर्ट्स कहते हो, है ना। ई कितना होगा? 13। फिर ईट होती है जिसे डायमंड बोलेंगे, ये भी होते हैं 13। फिर ब्लैक भी दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, हुकुम का होगा या इसको हम लोग काला पान कहते हैं, ये भी कितना होता है? 13। फिर चिड़िया क्लब्स, ये भी होते हैं 13। अब देखो जैसे यही ताश है, इस लाइन में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना।
13 13 सोलह छब्बीस 33 अड़तालीस 54 52 टोटल कितना पता हो गया? 52। तो ताश में 52 पता। अब देखो यहाँ से नीचे सब कैसा कलर है सबका? लाल कलर है ना, डिजिट लिखा हुआ लाल कलर में। हाँ। तो इसीलिए कहा कुल होते हैं 52 13 13। इसमें एक लेन में 13, दूसरे लेन में फिर 13, सब लेन में 13 13 पता है। तो यहाँ से नीचे 26, यहाँ से फिर ऊपर कितना? 26। तो कुल 52 पत्ते कितने रंग में डिवाइड से हैं? दो रंग में, 26 को लाल और 26 को काला। हाँ। अब फिर 26 को लाल में और 26 को बाला काला में डिवाइड से 13 को पता एक तरह का, फिर 13 को पता एक तरह का। देखो ये साइन सिंबल देख रहे हो? हाँ। ये डायमंड हीरा का सिंबल होता है इस प्रकार से, इसीलिए इसको डायमंड कहा जाता है। डायमंड का सिंबल इसी प्रकार से बनते हैं, समझ में आएगा ना? तो डायमंड का ही स्ट्रक्चर बनते हैं इस प्रकार से। तो ई देखो ई छाप ई जो देख रहे हो इस प्रकार के बनल का, ये देखो यहाँ से लेकर सब पर है सब पर, और सब पर इसको कहेंगे डायमंड का पत्ता। इसको क्या बोल देंगे? डायमंड का पत्ता है इसको, डायमंड वाला यहाँ उसको ईट बोलेंगे हिंदी में, डायमंड से कहा जाता। और वो होते कितना है? वो 13। कितना होते हैं? 13 डायमंड के। उसके बाद देखो फिर ये हार्ट्स दिल का चिन्ह इस प्रकार से होती है ना, एक्चुअली होते नहीं, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग इस प्रकार, ऐसा कुछ होता नहीं है, दूसरी टाइप से होती है वो। तो इस प्रकार का चिन्ह है ये वाला चिन्ह, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पर सब पर है ना, इसको बोलेंगे हर्ट्स। इसको लाल पान कहा जाता है, लाल है और पान के पत्ता की तरह है हिंदी में, लाल है और कैसे पान के पत्ता तरह है ना, लाल है और पान के पत्ता तरह है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? लाल पान कहेंगे। अच्छा ये काला है और किसके तरह है? पान के पत्ता की तरह, इसीलिए इसका क्या कह देंगे? काला पान। बोलो कोई दिक्कत भी होगा? काला पान को ही हुकुम कहा, इसको हुकुम कह सकते हो काला पान को। नहीं तो पान खा करके थूक फेंकेगा, हुकुम दूसर चलाता है, इसीलिए इसका रखो नाम काला पान या कौन चीज़ हुकुम। एक तो करिया पान खाया दूसर पर हुक्म जमा रहा है, तो या रखो काला पान क्या कहते हो? हुकुम कहते हो, याद रहेगा ना इस प्रकार से? काला पान कोई हुकुम, पान खा लो थूक फेंकने जाओ सगरे खार फेंकेगा, तो काला पान कोई हुकुम कहते हो। और कितने पत्ते हो गए उसका टोटल? 13 गो होंगे। और फिर देखो चिड़िया को 3 गो, 1 गो मुड़ी और 2 गो पंख है ना इस प्रकार से, 1 मुड़ी 2 गो, तो 3 गो वाला छाप तो बुझ जाना 3 गो छाप वाला क्या कहते हैं? चिड़िया। 1 मुड़ी 2 गो पंख चिड़िया हो गया, जिसे इंग्लिश में क्लब्स कहा जाता है, CLUBS, समझ में आ गया ना? तो यानी कि अब बताओ ये किसका तरह दिखता है? हीरा इसका क्या कहोगे? डायमंड। डायमंड हिंदी में क्या कहते हैं? ईट। डायमंड हिंदी में क्या कहते हैं? ईट कहते हैं, है ना? डायमंड हो गया। ये कैसा है? लाल है और पान का पत्ता है, इसको क्या कहोगे? लाल पान। कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये काला है, काला पान है, खा करके थूक दूसर पर हुकुम चलाएगा तो काला पान का नाम हुकुम हो गया, याद रखना इसे, समझ में आ गया ना? और ये फिर मुड़ी और 2 गो, 1 मुड़ी 2 गो पंख यानी कि चिड़िया, यानी कि क्लब्स बोलेंगे चिड़िया हो गया। तो कितना होते हैं? 13 13 नाम याद हुआ सबका? कितने टोटल पत्ता होते हैं ताश में? 52 कितने कलर बटे होते हैं? 26 रेड 26 काला। और फिर काला कितने, लाल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? हुकुम कैसे? चिड़िया, डायमंड, हीरा और लाल पान। लाल पान लाल है तो लाल पान, आ एगो डायमंड है हीरा है, समझ में आ गया ना? और उसके बाद फिर काला कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? काला पान एगो चिड़िया, याद रखना समझे ना? तो काला पान को ही क्या कहते हैं? हुकुम। पान काला खाएगा थूकेगा दूसर पर हुकुम चलाएगा, लगेगा रही से, तो उसको हम लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं, है ना? इस प्रकार याद रख सकते हैं। अब देखो इतना चीज़ देखने के बाद, इतना चीज़ देखने के इसमें क्या है, देखो ये यहाँ क्या लिखा, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ ये लिखा हुआ है और यहाँ भी मतलब तुमको दिख नहीं रहा है लेकिन है, देखो ये लिखल है, हैं है ना, यहाँ ये लिखल है, यहाँ भी ए, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी सब पर क्या लिखा हुआ है? ए। तो ए से बोलेंगे एस, इक्का इसको कहा जाता है, क्या बोलेंगे? एस का इक्का बोलेंगे उसको, इक्का नहीं इक्का कहा जाता है। दो है तो सबके पास, देखो दो है तो सबके पास क्या खागो? दो। तीन है तो सबके पास क्या है? तीन। चार है देखो सबके पास चार है, यानी कि जो कार्ड रहेगा वो सबके पास रहेगा, ये सब वाला जो कपड़ा पहनेगा सब पहनेगा वो। हार्ट्स डायमंड कहेगा हमको भी ए एक का, इसके पास कहेगा ई लेगा, एक का कहेगा नहीं हम वो लेंगे, सब एक का खाओ पीट कान पीट के ले लेगा। दो ले लेगा तो सब कान पीट के क्या ले लेगा, यानी कि जो रहेंगे सबके पास रहेंगे, बराबर है, भेदभाव किसी में नहीं है, जो पता रहेगा सबको रहेगा। किंग रहेगा, यदि डायमंड वाला किंग रहेगा ई कहेगा हम किंग लेंगे, हम किंग लेंगे, सब किंग लेगा खागो, समझ में आ गया ना? तो यानी कि
एक नहीं होता, एक लिखा हुआ है कहीं पर, एक नहीं, एक के बदला में ए लिखा होता है कैपिटल ए, उसे ही इक्का कहा जाता है। एक लिखा हुआ कहीं होता नहीं है, जीरो भी नहीं होता, कहीं जीरो लिख रहा है, दिखा रहा है, एक होते हैं नहीं, एस होते हैं, क्या होते हैं, एस होते हैं। तो ए एक के बदला में एस हो गया, ए दो तीन, यानी कि संख्या, हम जो गिनती संख्या कहते हो वो दो से लेकर दस तक होता है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इतने होते हैं गिनती संख्या। फिर देखो ये क्या दिख रहा है, जे, जे से क्या होती है, जैक, गुलाम, जोकर नहीं, जोकर एक होता है ना, क्या जोकर चार को होता है, सोचो तू कहा जोकर, जोकर क्या होता है पत्ता में, एक होता, और यहाँ जोकर क्या यहाँ क्या हो गया, चार को हो गया ना, तो क्या चार का जोकर होता है कभी बताओ, तो फिर ऐसे गलत हो गया क्वेश्चन, सीधे गलत हो गया, हाँ समझ में आ गया ना, और समझा, तो जे से होता है गुलाम, जैक, जैसे क्या बोलोगे, शॉर्टकट होता है, एम से मोहन है तो एम कह दिया, जैक है तो जे कह देंगे, तो जे से क्या होंगे, हाँ। अब पहले देखो ऐसे ना याद करो, यहाँ देखो पहले क्या रखा हुआ यहाँ पर, के से क्या होता है, किंग, राजा है, ये क्या है, राजा है, देखो ये राजा साहब है ना, किंग है, एकदम पूरा ताकतगर किंग है, तो एखाओ को राजा सबके पास होगा, एखाओ राजा क्या होगा, सबके पास, डायमंड का भी, डायमंड के भी पास राजा, अरे डायमंड का तरह फिगर ऐसे बनता है, तो वो डायमंड हो गया है, लाल है और पान का पत्ता की तरह है तो लाल पान हो गया, काला है और पान का पत्ता की तरह है तो काला पान, थूक फेंक के हुकुम चलाएगा तो काला पान को हुकुम कहेंगे, हुकुम हुकुम जोड़ जाएगा कल उसके जगह सब, आप ही जो हैं से हैं, मुरी है और दो गो पंख है तो चिड़िया की तरह, अच्छा क्लब्स कह देते हैं इसको, बात समझ में आ गया ना, इस प्रकार याद कर लेना है। तो किंग है तो सबके पास क्या रहेगा, एखा को राजा सबके पास रहेगा, इसके पास भी एगो राजा, अरे इतना पता है, संभालने के लिए कोई राजा चाहिए ना, संभालने के लिए सब पता कौन हुकुम चलाएगा सब पर, राजा साहब चलाएंगे, समझ रहे हो ना, राजा साहब हैं ये सब के प्रजा हो गया ये सब, तो एखा को राजा क्या होंगे, एखा को राजा सबके पास होगा, तेरे को पता है संभालने वाला कोई चाहिए ना, और राजा साहब तो अकेले रहेंगे नहीं, साथ में क्या भी रहेंगे, रानी क्वीन रहेगा, और फिर काम कौन करेगा, तो गुलाम रख लो एक ठो, जैक, जैक उसको गुलाम कहा जाता है, काम करने वाला कोई चाहिए ना, ये पूरे राज्य को राजा सबके पास रखा हो राजा, देखो है ना सबके पास रखा हो राजा, सब राज संभाले, राजा साहब अकेले नहीं रहेंगे, रानी रहेंगे, तो क्वीन रख लिया एक ठो, और फिर काम कौन करेगा, एक गुलाम रख लिया, यानी कि आदमी वाला फोटो सबके पास क्या क्या गो है, तीन तीन गो है ना, डायमंड के पास आदमी वाला फोटो क्या गो है, तीन गो है, लाल पान के पास आदमी वाला फोटो क्या गो है, यानी कि सबके पास आदमी वाला फोटो है, तीन गो, सबके पास राजा और उसका फिर रानी और फिर गुलाम, बस ऐसे रखो ध्यान में, राजा रानी गुलाम, अब याद भी करना पड़ेगा, सिंपल तरीका है, राजा ले लेंगे, राजा साहब अकेले नहीं लेंगे, रानी को रखेगा, और रानी को है काम, फिर कौन करेगा, तेरे को गुलाम नौकर रख लेंगे, बस राजा रानी गुलाम, और सबके पास होगा, दस तो सब कहेगा हमू दस, नौ तो सबके पास नौ, जो पता रहेगा सबके पास रहेगा, यानी कि दे हुआ, समझ में आ गया ना, तो आप बोलो इस जिस पर रहता है ना फोटो उसे कहा जाता है फेस कार्ड, फेस कार्ड, जैसे आदमी क्या होगा, देखो तीन गो फैन आदमी फोटो इधर है नहीं है, तो कोई कहेगा बोलो इसका नाम क्या देगा, सब पता का सामूहिक नाम क्या है, अरे कौन कास्ट है, जात कौन है, डायमंड, जात का नाम डायमंड हुआ, ई कौन जात है, लाल पान, ई कौन जात है, काला पान, या हुकुम, ई जात का नाम हुआ, एक पर्सनल कोई पता का नाम, जात का नाम हुआ, ई टाइटिल हुआ अपना, बापों को वही टाइटिल, दादों को वही टाइटिल, वही बात हुआ यहाँ पर, समझ रहे हो ना, तो बोलो डायमंड वाला, डायमंड के, डायमंड हो गया जात, इसके पास क्या गो फेस कार्ड है, तीन गो, एक्का क्या गो है, एक गो, दुग्गी क्या गो है, दो गो, इस प्रकार से दो से एगो, देखो एक गो है ना, और फिर चलो ये लाल पान है ना, लाल पान जात हो गया, इसके पास क्या गो फेस कार्ड, तीन गो, नौ क्या गो इसके पास, एक गो होगा, सब संख्या के गो होगा, खाली फेस कार्ड क्या होंगे, आदमी फोटो, राधा रानी गुलाम, तीन गो, यानी कि तीन, इसी प्रकार से सबके पास, तो टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा, तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह हो गया, इतना समझ में आ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब फोटो बना देते हैं, कहाँ भागा फोटो, भाग गया, तो पहला है लाल पान है ना, याद भी करना पड़ेगा किसी को,
टेक्निक समझ में आ गया ना। टोटल कितने पत्ते होते हैं? बावन। बावन देख कर मत बोलना मुझवानी। कितने पत्ते होते हैं टोटल? बावन। कितने भाग बटे होते हैं? दो गो, एगो ललका एगो करिया। हिंदू मुसलमानों बट गया नहीं, हिंदू मुसलमानों क्या हुआ? टोटल बावन है, आदमी कितने हैं? तो बावन हिंदू मुस्लिम बांट दीजिए, छब्बीस 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 को ब्लैक और छब्बीस को रेड, हिंदू मुसलमान बट गया। और फिर उसमें भी ज़्यादा होगा अलग कास्ट, फिर उसमें क्या क्या कास्ट, फिर उसमें छब्बीस को दो कास्ट, एगो कास्ट कौन है? एगो हीरा की तरह छाप पिनता है सब, उसको कास्ट को सब क्या बोल देंगे? डायमंड। एगो किसके तरह छाप है? लाल लाल है और पान देता है, तो तू लाल पान हो गया, कुम्हार हो गया, तू फलना हो गया, इस प्रकार से। फिर उधर कितना है? काला। उधर काला में भी कितने? दो गो। एगो कौन है? काला है, अपन तरफ है पत्ता काला पान, खा करके हुकुम चलाएगा। चिड़िया तीन गो अथी हो गया चिड़िया, तो ये हो गया लाल पान, समझ रहे हो ना? बस ऐसे रखो याद, थोड़े कुछ भारी है, लाल पान हो गया और फिर ये डायमंड हो जाएंगे। गूगल सर्च मारो डायमंड का फिगर आएगा उस पर। ये डायमंड हो गया, उसके बाद फिर है काला पान है ना, आया फिगर। अब देखो डायमंड का फिगर दिखाते हैं, जो डायमंड अभी देखे हो ना उस प्रकार के डायमंड का फिगर। हर एक शेप डायमंड आते हैं, इस शेप के भी डायमंड आते हैं, ये डायमंड टेट्राहेड्रल। देखो फिगर होते हैं वही डायमंड का, ठीक है? इसको जब बनाओगे ना डायमंड को, हीरा को कॉपी कलम पर, यही डायमंड है। ये फिगर बनाने के बाद जो है ना, कुछ देखो ना ऐसे कर करके लगभग नहीं मिल रहा है, ऐसे एगो ऐसे किया, कुछ अलग अलग शेप डायमंड होते हैं, इस शेप के भी क्या होते हैं? डायमंड होते हैं। अरे दस पाँच टका में नहीं मिलता है मार्केट सब में इस टाइप का, एगो वही है पत्थर नहीं मिलता है, हीरा की तरह होती है ना पत्थर, कौन चीज बोलता है उसको, क्रिस्टल मिलता है ना, वही डायमंड है, नहीं कहता हीरा है, वो कहेगा हीरा है दुकानदार। यही देखिए ना मिल तो रहा है उसका सेप, देखो मिल रहा है ना, यहाँ से सेप काट करके देखो मिला ना, तो डायमंड तरह है ना, इसीलिए वही चीज है डायमंड, याद करने के लिए हमने। तो ये बात हो गया है ना, ये बात हो गया। तो इसमें उसके बाद क्या है, इसके बाद देखो, तो मैंने देखो अब ये पान के पता है ना, इसमें देखो ध्यान देने की बात है, इसमें पुछरी निकलल है, यूहो में पुछरी है, ये दोनों में पुछरी नहीं है, ये बात गौर करने वाली बात है। देखो है ना पुछरी निकल थोड़ा सा यहाँ भी, इन दोनों में है ललका पलाब नहीं है, बजरंग बली हो गया ये, चलो इसीलिए यहाँ पर निकाल दिया, इन्हें कहना यहाँ आपने निकाले, यहाँ आपने निकाली, दिखा दिया तुमको फिगर में, देखो नहीं है। अब ताश वाला कहना एक सांस में बोलो सब पता के बारे में, कैसे कहता है, खूब दिन खेला है ना ताश, बोल पाएगा? चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस हो, एक बार सारा क्लास को डिफाइन करो क्या क्या उसमें है, नहीं बहुत एक्सपीरियंस है तो खेलने का रूल अलग होता है, पर फिर पता तो नहीं बता पाएगा। हैं कितना खेलता तो उसको पता होगा, एक्का क्या गो है, सब चीज़ क्या गो है, सारा चीज़। हम ट्राई करेंगे खेलने वाला को, हाँ मुरुख रहते मुरुख नहीं, तू तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ताश में बहुत कुछ जानता है खेलने वाला, हम बहुत दिन से कोशिश करते हैं नहीं सीख पाते। अब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन जाएगा ना, अब ट्राई करेंगे।
क्वेश्चन बनेगा, आएंगे क्वेश्चन पर तब बनेंगे क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन होता है ये समझने के बाद लोग को यही नहीं होता है क्लियर, इस कारण से है ना को उसमें काफ़ी दिक्कत होता है ना। अब देखो इसमें हम लोग इसमें बात करते हैं, यही दिक्कत है, लोग जनरली बताते हैं सवाल, इस चीज़ को बताए बन करते हैं विद्यार्थी को, आपने मन में सीधा सवाल ले लिया, इतना पता इतना होता है, लालपन कालापन कर निकालो। अब विद्यार्थी कभी पढ़ नहीं पड़ा, पहले हम पढ़ाते हैं ताक बारे में पढ़ो अच्छे से, उसमें क्या नहीं सब पता के बारे में तब सवाल बताएंगे, डायरेक्ट सवाल अपने कूदाते हैं, इस कारण से दिक्कत होती है। जड़ यहाँ पर प्रॉब्लम है, जड़ से समस्या खत्म करना चाहता ही नहीं है कभी, आज कह देता है वो खुद ने ठीक से ठीक है याद है उसको, लेकिन क्लासिफिकेशन करके वो कभी प्रवीण किया कि इस प्रकार से पढ़ाया जाए, इस कारण से दिक्कत हो रहा है विद्यार्थी को। मेन बात ये है ऐसे नहीं कभी देखे पढ़ाते किसी हैं, ऐसे कोई पढ़ाया है हैं? पहले हम ताश एक दिन क्लास लेकर स्पेशल सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, पहले ताश पढ़ो फिर सवाल बनाना, सवाल तू खुद बनाओ, सवाल मेरा काम थोड़ी बनाना, सवाल तुम्हारा काम बनाना है, मेरा काम है सारे कंसेप्ट क्लियर कर देना, अब बना सवाल डॉट क्लियर करो। तो एस ए पहला ए क्या होगा, एस होगा, एस इसे क्या कहते हो इक्का कहते हो, और शॉर्टकट में नहीं है आदमी नाम ए है तो ए कह देगा, दोनों नाम सत्य में तो एस एस पुकारेगा सब, शॉर्टकट इक्का है तो मुंह में दर्द होता है कहने में ए कह देंगे तो तू बुझ जाना इक्का है, फैशन आजकल है ना, तो सबके पास एक इक्का होगा ना तो कान पीट करके क्या करेगा इक्का को इक्का सब ले लेगा, हमें भी चाहिए कहेंगे ठीक है कोनो बात नहीं, इक्का दे दिया। चलो पहले फेस कार्ड देख लेते हैं, सब बार सोचते हैं लिखने के लिए पहले किंग, लेकिन सब बार लिखा जाता है इक्का, आश्चर्य है ये कभी नहीं सुधरेगा। चलो ठीक है तो पहले क्या ले लेंगे, राजा ले लेते हैं, पहले क्या क्रम से लिखते हैं उस प्रकार से, अच्छा जैसे जैसे लिखते नोट्स में क्या करना, नोट्स में लिखना इस प्रकार से, ऐसे लिखना नोट्स में, इसे लिखना नोट्स में, बना दीजिए ना अभी हाँ किंग लिख दिए तो आप एक लिख इक्का लिख देते हटाओ इक्का लिख किंग से वहाँ से कर देते हैं है ना, किंग से कर देते हैं तो पहला क्या होगा राजा, जिसे क्या कहते हो बादशाह, नहीं कहता है बादशाह सलामत रहे, देखे हो रामायण में क्या कहता है बादशाह की जय हो, हाँ बादशाह हैं बादशाह सलामत है, सलाम ठोकता राजा को, राजा सब सलाम ठोकेगा तो किंग है तो हम कहेंगे आई एम किंग, तो एखागो किंग सबको राजपाट को संभालने के लिए क्या होंगे एखागो एखागो राजा बना देते हैं सबको, चलो तू राजा है ना, और राजा साहब के रानी होंगे जिसे कहते हो क्वीन क्वीन, और जिसे हिंदी में कहेंगे बेगम, बेगम नहीं कहता बेगम साहिबा है ना, तो सबके पास एक एक क्वीन सबके पास होंगे, और एगो नौकर धर लेगा काम करने वाला जिसे क्या कहेंगे गुलाम, जिसे जैक कहेंगे, गुलाम पानी उनी खाना पीना सब चीज़ अपना बनाएगा, जो भी काम रहेंगे गुलाम हो गया जे, समझ में आ गया ना, यहाँ क्या होंगे गुलाम हो जाएंगे। अब देखो अब इक्का दे दिया, दो होगा सबके पास, इसके पास भी दो या तीन गो, देखो आप बोलो लालपान के पास क्या गो फेस कार्ड, सबके पास क्या क्या गो टोटल तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह, लालपान के पास फेस कार्ड क्या गो, अच्छा लाल के पास फेस कार्ड क्या गो, लाल कलर के पास तीन गो, समझ में आ गया ना, काला के पास छः गो, अब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन किया लालपान कहा तो तीन गो लाल पूछा, अरे लाल दोनों आ रहा है ना, तो तीन यहाँ तीन है छः गो पूर गया है। अब कभी कभी क्लब्स के पास बोलो कितना होता है, चिड़िया के पास तीन गो, सोचो ना चिड़िया समूह का नाम हो गया, जैत का नाम चिड़िया हुआ, चिड़िया जैत है कालापान जैत, ऐसे बुझो चिड़िया के पास क्या होगा फेस कार्ड तीन, एका क्या होगा एक, अच्छा काला के पास एका क्या होगा डर लियो डर लेना, काला पूछे है ना तो काला में दो बात है तो दो एका होगा ना है, ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन क्या कहेगा एग्जाम में, लाल पान का इक्का निकाले हैं, क्या कहेगा लाल पान का इक्का निकाले हैं, लाल पान का किंग निकाले हैं, लाल पान का फेस कार्ड निकाले, से क्वेश्चन आता है एग्जाम में पता रहेगा तब ना कितना होता है। अब फिर कहेगा लाल का इक्का निकाले हैं, लाल का क्या पूछा है ललका का इक्का पूछा, ललका का क्या होगा दोनों लाल है देखो है ना, ललका की क्या पूछे कहेगा लाल का फेस कार्ड निकालिए, उसकी प्रायिकता क्या होंगे, तो पहले समझना लाल का फेस कार्ड क्या होता है, लाल में फेस कार्ड क्या होंगे तीन तीन छः गो, अब बुझा लाल का दस निकालिए क्या होगा दो गो, अब लाल पान का कहेगा नौ निकालिए एक गो होगा, अरे लाल पान कहे हैं समझ लो,
समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यही लोग को नहीं समझ में आते हैं और यही समझ से समझाते हैं जर को। तो दो होगा सबके पास क्या खागो होगा, दो गो होगा, तीन होगा तो सबके पास खागो तीन होगा। सुबह वाले से और क्लियर कर दिए इसमें, समझ में आ गया ना। चार होगा तो सबके पास एक एक चार होगा। अब जगह को मार्जिन देखते हुए सब के में लिख देते हैं ना, पाँच छः सात आठ नौ और नीचे हम तू लिखना जगह होगा, ये पूरा एक पेज बनाना ठीक से, पूरा पेज में ताशे लिखना अच्छे तरीका से। फिर पाँच होगा छः सबके पास डिजिट होंगे, अभी देख लिया ना जगह कमी को देखते हुए। अब देखो बनाएंगे सवाल कितना अच्छा लगता है पढ़ने में, इस प्रकार से बात होंगे है ना। चलो एक बार तुमसे पूछ पाछ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे है ना। चलो बताओ तू ही बताओ, हार्ट्स में कितने हमने कहा कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, हार्ट्स का इक्का निकालना क्या होगा। इक्का एक ठो। हार्ट्स का हिंदी क्या होता है, हार्ट्स अति हार्ट मतलब दिल होते हैं, दिल का सेप किसका होगा, लाल का। लाल का, अरे खून लाल होता है ना, देखो खून कैसा होता है, लाल है ना। खून कैसा होता है, लाल। देखो खून कैसा होता है, अभी जो यहाँ पढ़ाया है मैंने है ना, देखो ये खून का सिंबल है ना, तो कहते हो ना दिल धक धक कर रहा है, तो हार्ट्स यानी कि लाल रखना इस प्रकार से ध्यान में। बात समझ में आ गया ना। चलो अब बोलो जवाब दिए है ना। हाँ बता ताश के बारे में क्या जानते हो, एक साथ फटाफट। ताश में 52 पत्ती होती है, जल्दी जल्दी हाँ बिना रुके हुए। 26 लाल 26 काला, लाल दो प्रकार का, उसमें लाल में जो है डायमंड और एक तो लालपन, हाँ ये दोनों की संख्या 13 होगी। और उसके बाद काला में जो है चिड़िया 13 आ 13 जो है कालापन 13 होगा। फिर लालपन में 6 फेस कार्ड, लालपन में नहीं लालपन में 3 लाल का लाल में होगा 6 ठीक है। उसके बाद काला में 6 काला पान में 3 और चिड़िया में भी 3 और फिर एक जिस जिस पता होगा सबके पास एक एक इक्का इक्का होगा। अब फिर 2 3 4 इस प्रकार से सबके पास होंगे है ना। तो यही ताश का खेल वेल है, इतना ऐसे ही सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे है ना। और हम लोग सवाल पर प्रस्थान करते हैं, सवाल को बनाते हैं है ना। तो नेक्स्ट पेज लाओ, अब एक बार पासा को उनको पढ़ा देते हैं। देखो फोटो बनाया गया ना यहाँ से, तो किताब होगा तो इसमें देख कर लगना, किताब में उस प्रकार से लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं चलता विद्यार्थी को। तो इसमें बताओ कुल फेस कार्ड लिख देते हैं इसमें, तो कुल फेस कार्ड की संख्या 12 कुल फेस कार्ड की संख्या बराबर 12 टोटल है ना। फेस कार्ड जिसमें आदमी का फोटो हो, जिसमें आदमी का फोटो हो उसमें उसी को फेस कार्ड कहा जाता है ना। और तुमको पहले चलो अभी ताश पढ़े हो ना, चलो एक बार सिखा देते हैं कि पासा को आता है, दो गो पासा को लफड़ा तब फंसता है जब दो गो पासा फेंकते हैं ना एक बार, या तीन गो पासा को तब सैंपल से लिखने में दिक्कत होगा। खैर उस समस्या को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, चूँकि अभी क्या पढ़े हैं ताश और अभी वो क्या है टटका है, तो पहले उसी के बार धर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। किसी को पहले पढ़ा देंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, समझ माना चाहिए सिर्फ, बात ख़त्म है, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होता है। चलो तो देखो जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं है ना, क्वेश्चन लेते हैं अच्छी प्रकार से लिख लोगे तो इन्हें लिखेंगे। देखो सुनो क्वेश्चन सुनो, कहता अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों के गड्डी में से। ताश के पत्ता में कितना होता है 52, अब बढ़िया से फेंटल है कोई दिक्कत वाला बात, बढ़िया से फेंटल अच्छा से मिला दिया कि नहीं कि दो एक का साथे है तीनों का ऐसा कोनो बात, बढ़िया से फेंट करके और उसमें 52 को पत्ता को अच्छी प्रकार से फेंट दिया गया, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। और एक पत्ता निकाला जाता है बिन देखल, जब भी निकालेंगे क्या निकालेंगे हम लोग एक पत्ता कहे या नहीं के क्वेश्चन में, जब भी निकालना होगा तो बिना दखल निकालना। 52 को ताश में पत्ते होते हैं, 52 को बढ़िया से फेंट दिया अच्छे तरीका से, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और एक पत्ता निकालना है, एक पत्ता निकालना, इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रायिकता है, निकाला गया पत्ता ना लाल हो और ना बेगम हो,
सुनो ने क्वेश्चन क्या कहा है, 52 को पत्ता है बढ़िया से फेंटा गया है। अब तुमको कहा इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता, जो पत्ता निकलेगा ना वो ना ललका हो और ना बेगम हो, दोनों में से कोनो ने हो। देखा क्वेश्चन, लाल होगा ने काला होगा, बेवकूफ ने कह रहे हैं कुछ सुन रहा है कुछ ने काला होगा। हम क्वेश्चन क्या पूछे, ना लाल हो ना बेगम हो, ई नहीं हो। हम चाहते हैं दूसरा होगा तो दिक्कत हो, हम हार जाएंगे। हम कब जीतेंगे, निकाला गया पत्ता ना लाल हो ना बेगम हो। क्वेश्चन समझ लो पहले, पैसे कैसे निकलेंगे बात की बात है, पहले क्वेश्चन समझा क्या है। 52 पत्ता बढ़िया से क्या किया हुआ है, फेंटा हुआ, और हम चाहते हैं कि एक पत्ता निकालेंगे उससे, और वो निकाला गया पत्ता ना लाल हो ना दोनों से कोनो दूसरा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये दोनों पत्ता, तब हम जीत जाएंगे। नहीं कहते हैं भगवान भगवान इन्हें आवे ने तो ये कहीं मार दिया तो फिर जीती जीत लिए है, वो नहीं कहते हो तो वही बात से तू चाह रहे हो, भगवान भगवान कह रहे हो लाल बेगम नहीं होना चाहिए, ना ललका हो ना बेगम हो। तो अब बोलो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, तो ताश में कुल पत्ते कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं ताश। पहले तुमको ताश का दिक्कत था ना ज्यादा, अभी पढ़े हैं चूंकि ताश है ना, इसीलिए पहले ताशे को निपटा देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ताश में कुल पत्ते होते हैं 52, ठीक है। ये सवाल नहीं लेना चाहिए पहले, दूसरा आसान सवाल लेते तब ठीक रहता। खैर ले लिए, चलो कोई बात नहीं, बना देते फिर बना लेंगे। अब चलो कुल लाल पत्तों की संख्या, लालपन एवं ईट की बेगम समेत। अब देखो क्वेश्चन में कहा है निकाला गया पत्ता ना लाल हो और ना बेगम हो, तो अब तुमको ये बताना पड़ेगा कि लाल रंग या बेगम पत्तों की संख्या, ये बताओ हमको। लाल रंग है ना, या लाल रंग ना पत्ता लाल हो और ना बेगम हो, ठीक है। लाल रंग अन्य बेगम, लाल रंग और यूज करना चाहिए, लाल रंग और बेगम पत्तों की संख्या निकाल लेते हैं हम लोग कितना होता है। लाल रंग और बेगम पत्तों की संख्या, अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि लाल रंग और बेगम पत्तों की संख्या। बोले पहले लाल रंग कितना होता है, 26 को होगा लाल रंग, ठीक है। 26 को अभी वाला पेज लगा जस्ट पहले वाला जो पढ़ा था। अब देखो लाल रंग और बेगम, लाल रंग कहा तो 26 को लाल रंग कितना होते हैं, 26, और लाल रंग भी नहीं होना चाहिए, अब बेगम भी नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, लाल रंग नहीं होना चाहिए, 26 में से कोनो नहीं होगा, और साथ साथ बेगम भी नहीं होना चाहिए। बेगम होते टोटल कितने हैं, सब मिला करके 4 बेगम होते हैं। लाल रंग का जो 2 बेगम तो ऑलरेडी उसमें आ गया, लाल रंग का जो 2 बेगम उसमें क्या होंगे, ऑलरेडी आ गया। बच्चे क्या बेगम है, 2 बेगम, एगो हुकुम के एगो चिड़िया का, वो बेगम जाना चाहिए। आखिर है वो तो बेगम लाल रंग ना चाहिए, अब बेगम भी ना चाहिए। लाल रंग कहा तो लाल रंग में बेगम भी करता है, वो भी बेगम नहीं आएंगे क्योंकि वो भी लाल बेगम है, समझ रहे हो ना बात को। हुकुम या चिड़िया में भी बेगम है, देखो क्यों है ना, ये भी दोनों आना चाहिए, यानी कि ना ये आना चाहिए, ये 4 बहुत काम की वाली बात है, ना ये आना चाहिए और ना ये दोनों आना चाहिए। अब बाकी जो दिख रहा है तुमको इसमें से कोई आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाला बात, ये दोनों नहीं आना चाहिए, कहा है ना। निकाला गया पत्ता ना लाल हो और ना बेगम हो, निकाला गया पत्ता ना लाल हो और ना बेगम, यानी कि बाकी सब होना आ सकता है, कोनो दिक्कत वाला बात। फिर बाकी गिनो क्या हुआ है, इसमें टोटल कितने होते हैं, 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26, और 2 चला गया कितना बचा, जी इसमें कौन आ सकता है, 24 बचा। समझ में आ गया ना, ये पता है डेली देखाना, समझ में आ गया ना। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होंगे कभी भी काम आ सकते हैं, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ऐसे तो कोशिश करेंगे आज प्रोटी का ईट ताश वाला क्वेश्चन सब बता देते हैं, खेल खत्म कर देते हैं, जो नया घंटा होगा उसका काफ़ी कोई दिक्कत, ताश वाला कर देंगे तो क्रीम निकल गया प्रोलिटी का, तब उसमें दम नहीं है, समझ रहे हो ना। एक ताशे है मेन सवाल जो लोग से नहीं बनते हैं। तो अच्छा बताओ मैंने यहाँ क्या लिखा है,
लाल रंग और बेगम पत्तों की संख्या कितने होंगे? 26। लाल रंग का हो गया 26 और बेगम का हो गया 2। यहाँ वर्ड यूज करना लाल रंग या बेगम लिखा है या नहीं वर्ड करना चाहिए, बेगम पत्तों लाल रंग और क्वेश्चन में कहा है ना, तो भी और करो, और बोलना चाहिए। तो लाल रंग का दिया और बेगम, तो कितने होते हैं ये? 28। समझ में आ गया ना? अब लिखो, अब क्या कहा है, पत्ता लाल नहीं हो और ना बेगम हो, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो और बेगम नहीं हो, तो क्या बचेगा? 24। या इन्हें कह सकते हो जितना ये नहीं हुआ और 52 में से घटा दो तो उतने बचेगा। हाँ, ये भी हो सकते हैं ना। टोटल कितने होते हैं? 52। लड़का और बेगम मिला क्या को है? 52 में से 28 का कितना होगा? 24। एक बात तो हुआ, अब वही काम करेंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि जो पता चाहते हो वो लिखो, तो उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा ई घटना ई। मान लो ई बराबर क्या होंगे, तो ई बराबर मान लेते हैं, यदि ई घटना जिसमें ई घटना जिसमें कौन पता निकालना है, ना लाल और ना बेगम हो, घटना जिसमें निकाली गई पत्ता ना लाल हो और ना बेगम। घटना ये क्या है, घटना है जिसमें निकाली गई पत्ता ना लाल हो और ना बेगम, दोनों से कुल नहीं हो, ऐसा क्या को पत्ता होंगे बताओ? ऐसे पत्ते की संख्या कितनी होंगे? 52 माइनस 28, तो बराबर कितने? 24। बोलो, ठीक है ना सवाल? ये कर दिया। अच्छा, कुल पत्ते, तो ये हो गया, एस ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो सैंपल स्पेस क्या को हो जाएगा? 52। पी ई बराबर, पी मतलब ई क्या है, घटना जिसमें निकाले के पत्ता ना लाल हो ना, पी बराबर एन ई बटा कितनी होती है? एन एस होती है। एन ई बटा क्या होंगे? एन एस होंगे। तो ये बोलो 24 बटा क्या हो जाएगा? 52 बराबर 6 बटा कितने हो जाएंगे? 6 चौके 24, 13 चौके 6 बटे 13, यानी कि इसकी संभावना 13 बार में 6 बार है। 13 बार निकालोगे ना, चांस है कि 6 बार क्या होंगे, आ सकते हैं जो तू चाहते हो वो। इसका मतलब ये हुआ 6/13 का मतलब 13 बार में, या इसमें रखोगे तो 52 बार में कितना बार चांस है? 24 बार। 52 बार पता निकालेंगे ना, एक बार रखे, दो बार रखे, तीन बार रखे, 52 बार निकालेंगे, तो ये 52 बार में चांस है कि 24 बार, यानी कि 52 गो निकालेगा तो चांस है 24 गो, या ऐसे कहो, या 52 बार में 24 बार चांस है कि जो चाहते हो वो काम हो जाए, यानी कि निकाले के पता ना होगा ना बेगम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। संभावना अनुमान लगाए एक ठो, या 13 बार में कितना चांस है, 13 बार निकालेंगे तो 6 बार पता जो हम चाहते हैं वो निकले, मतलब ना लाल निकले ना बेगम निकले, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता है तुम्हारा बात। सच संभावना व्यक्त किया है वो, ये बात हुआ, किसी की दिक्कत भी इसमें है, कुछ भी है इसमें, प्रोबेबिलिटी में था। आगे पढ़ते हैं हम लोग, हैं ये क्वेश्चन, अच्छा पहले क्वेश्चन आना चाहिए, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई, ठीक है, बिना फेंटल थोड़े वाला, 52 का पत्ता बढ़िया क्या किया है, अच्छे तरीका से फेंट, उन्हें कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बढ़िया से फेंट दिया गया, अच्छी बात है। गड्डी में से एक काला पान की 3 तस्वीर वाली पत्तियाँ निकाले जाती है, क्या कहता है निकालने वाले? काला पान 52 तस्वीर, हाँ है ना, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से, एक ताश की गड्डी में से 52 पत्ता बढ़िया से फेंटल है, काला पान की 3 गो तस्वीर वाली पत्तियाँ निकाल ली जाती है, काला पान की कितनी? 3। तस्वीर वाली, देखो काला पान कहा है, समझना क्वेश्चन को गहराई से समझो, काला पान की 3, ओहो में 3 गो कौन, तस्वीर वाला फोटो, बात समझ में है ना, तो काला पान की कितने कहा है? 3 तस्वीर वाले पत्ती निकाली जाती है, अब काला पान में तस्वीर टोटल होता क्या गो है? 6 गो, काला पान कहा है ना, अच्छा काला पान का है, हाँ ठीक है, काला पान का हमने काला समझ लिया, काला पान का है ना, तो काला पान की क्या गो? 3 गो तस्वीर वाला फोटो, तो तस्वीर वाला यही 3 है ना, तो काला पान की 3 गो
तस्वीर वाला फोटो निकाल पत्ती निकाल जाती है, तब शेष बची पत्तियों में से एक पत्ती यादृच्छा निकाल जाती है, तब जितना बच गया उसमें से एक निकालेंगे यादृच्छा, जो बच गया उसमें से निकालेंगे। निम्नलिखित को प्राप्त करने वाली प्रायिकता ज्ञात करें। अच्छे क्वेश्चन है लेवल का, देखते हैं डायरेक्ट। अब देखो इसमें से, अच्छा बता कुल पत्तियों की संख्या, पहले कुल पत्तियों की संख्या कितने होते हैं, 52 पत्ती हो गया, अच्छी बात है। अच्छा ये जो एगो पत्ता निकालने अधिक्षा, एगो पत्ता की अधिक्षा कब निकाले हैं, तीन को काला पन निकाल हटाए दिए हैं उसके बाद, तीन को काला पन क्या किए हैं निकालने के बाद उसमें से हटा दिए हैं ना, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई। ये सवाल नहीं लेना चाहिए पहले हमको, एकाएक अच्छा लेवल पकड़ा गया, धीरे धीरे बताते ना, अब नहीं है चलो खैर एनसीईआरटी में ठीक है ना, दिक्कत नहीं है, अथी समझाते हैं ना बेसिक से तो ठीक रहता है, मेन बात ये है कहने का मतलब है। एनसीईआरटी में दिया है, ये सवाल नहीं बताएंगे डायरेक्ट अभी, रुको हम खोजते हैं। अच्छा आसान सवाल जो मतलब शुरू में समझाया जाता है जिस प्रकार के सवाल को, किसी ना लगा जी ऊपर से चार नंबर लोग इधर से ऊपर से डायरेक्ट नहीं लेंगे, लेवल सवाल का अच्छा है, तुमको पहले वो सवाल बताएंगे हम जो कि वो तो खैर बता दी फिर नहीं ना, खतरा मोल नहीं लेना है नहीं तो मेहनत सारा बेकार हो जाएगा, एक बार लेवल दे देंगे दिक्कत हो जाएगी, समझाने में थोड़ी दिक्कत है, समझाने देरी करेंगे। इसमें किसी सीमा है तो दोनों में अंतर है ना, इसमें लेवल से सवाल दिया है जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार का सवाल दिया, अगले बार भी इसी सवाल बनाए थे प्रोलिटी का पहले बताए थे तब गए थे इंसेंटिव लेकर के, इसमें उस अनुसार से दिया है जिस अनुसार से होना चाहिए है ना, बेसिक से समझ में आता है ना, कहीं से देखोगे तो दिक्कत हो जाता है उस कंडीशन में, ये बात होती है। इस सवाल को लिख भी हम देंगे, दसवां के एनसीआर टीम देखो है इसमें तो, और दसवां के एनसीआर टीम है सवाल, दसवां के एनसीआर टीम देखो सवाल होगा ये, एक तो सवाल है दसवां के एनसीआर टीम सवाल है इसमें दिया हुआ, इसमें भी अच्छा सवाल नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट तो शॉर्ट में जा सकते हैं, 10 नंबर सवाल है पीछे, है ना ये 14 नंबर सवाल देखो कितने बढ़िया सवाल है, 14 नंबर का ये पहले लेवल सवाल ये होगा, डायरेक्ट चले जाते हैं तो बाउंस मार जाते हैं को, ये देखो हटाओ इसको, एक्सरसाइज कितना है 15.1 में क्वेश्चन नंबर 14, 14 और 15 बना देते हैं, दो को सवाल दिया गया है ना, देखो पहले आसान सवाल देखो अब फिर वहाँ चलेंगे, डायरेक्ट सवाल नहीं चलना चाहिए। अब देखो सवाल को पहले क्या कहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता कितने हैं 52, बढ़िया से फेंट दिया उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो कुल ताश में कुल पत्ते, ताश में ये सवाल ठीक है, ताश एनसीईआरटी देता है लेवल डायरेक्ट, एक बार हर सवाल नहीं देता है लेवल, बैठे बैठे चलता है एनसीईआरटी, ये खासियत इसका है, प्राइवेट बुक का भरोसा नहीं है।
ताश में ये चीज देखें, ताश में कुल पत्ते 52 और वो अच्छी प्रकार से फेंटा गया, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखो एक निम्नलिखित 52 पत्ते में से कितना पता निकालना है, एगो पता निकालना है। तो कौन पता निकालना है पहला बेर में कौन पता खाता है? लाल रंग का बादशाह निकालो, ये सवाल ठीक है। लाल रंग का क्या निकालना है? बादशाह लाल रंग का बादशाह। 52 को बढ़िया से पत्ता फेटे हुए हैं और उसमें से एक निकालना, पहला क्वेश्चन है कि एगो निकालिएगा ना, कि हम चाहते हैं लाल रंग का बादशाह आए। क्या आए? लाल रंग का बादशाह, ठीक है ना। तो पहले ये बताओ कि लाल रंग का बादशाह होता क्या? लाल रंग का बादशाह, लाल रंग है और उसका बादशाह, ये दो ही तो है। लाल कलर का बादशाह है, दो का बादशाह है। तो अब बोलेंगे लाल रंग के बादशाह की संख्या, क्या बोलेंगे? लाल रंग के बादशाह की संख्या। देखो जो क्वेश्चन में निकलना चाहता है ना, जो क्वेश्चन में कहता है पहले देखो वो है क्या गो आखिर, तब उसमें फिर चूज करेंगे ना। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या बराबर कितना हो गया? दो। लाल रंग के बादशाह की संख्या दो, इसको ई कह दो। क्या कह दो? क्वेश्चन में ई। अब तब बराबर क्या कहो? दो। लाल रंग के बाद संख्या बादशाह की संख्या ऐसे लिखो इसको, लाल रंग के बादशाह की संख्या एन ई बराबर, ऐसे करके लिखो एन ई बराबर, अब हुआ बराबर दो। बोलो एन ई घटना है, एन ई क्या है? तो लाल रंग के बादशाह की संख्या और वो कितना है? दो गो है। और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, यानी कि यहाँ से एन एस बोले तो एन एस कितना हो गया? 52। अब बोलो पी ई बराबर क्या होती है? एन ई बटे एन एस। देखा कलन का सवाल है प्रोबेबिलिटी का, मतलब पी ई, ई मतलब कि ई लाल रंग के बाद संख्या और है क्या गो? दो गो है। तो पी ई बराबर क्या हो गया? 2/52 मतलब 1/26 कत्ते हो गया? 26। सभी एक बार चांस आ जाएंगे, दो बार है ना इस प्रकार। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक लेवल के अनुसार सवाल हुआ। फिर क्या कहता है? एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, कि एक फेस कार्ड निकले। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक फेस कार्ड निकले, ये लेवल सवाल है। एक फेस कार्ड निकले, हमको ये बताओ पहले फेस कार्ड होता क्या? 12। तो एन ई बराबर कुल फेस कार्ड की संख्या, कुल फेस कार्ड की संख्या बराबर कितना? 12। अब तो समझ गए हो, अब बोलो डायरेक्ट पी ई बराबर 12/12, पी बराबर एन ई बटे एन एस 12/12 क्या हो गया? 52 है कुछ सवाल में, 12/52 तो कटेगा ही, 6 × 12 26 × यही ना है, 6/ क्या 3 × 6 13 × 26 तो 3/ कते निकल गया? 13। बस तेरे बार में 3 बार चांस है। कुछ है सवाल में? कुछ भी नहीं है, लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी भारी है कि आसान है। चलो फिर क्या कहा है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का जो कहता है निकले देखो वो है क्या गो, और टोटल कितना उसे भाग दे दो आंसर निकल जाएगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता तो एन ई बराबर कुल लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या है ना, कुल लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की संख्या लाल रंग के तस्वीर वाला 3/3 6 हो गया है ना, 6 हो गया। तो पी ई बराबर, सूत्र लिखना जरूरी है, एगो सूत्र है वो नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं पता क्या चलेगा, एगो लिख दो कभी भरो तो क्या ना। तो 6/ कते हो गया? 52 कटेगा ये, 3 × 6 = 26 × 52 3/26 हटा, नेक्स्ट पे लो। ओकरा हम हैंग लगा
मैं से वो निकाल वो हेलो हाँ वो पति कार्बन हैं वो कल खत्म हो जाएगा चैप्टर और परसों से दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे परसों कौन चैप्टर पढ़ेगा बोलो परसों फिर कौन भी आती फिर बोल एक बोल पढ़ क्या करेगा तीन पॉइंट एक से पढ़ा देते हैं चाहे 2.1 से काफ़ी क्वेश्चन उससे आएगा त्रिभुज से क्वेश्चन मात्र दो एगो थ्योरम आएगा बीस बीस और मेहनत उसमें काफ़ी है टाइम क्लब देखते हुए तीन पॉइंट में द्विघात समीकरण हो गया ग्राफ हो गया द्विपद युगपद समीकरण हो गया विलोपन विधि हो गया कितने क्वेश्चन उससे आता है इससे बहुत आता है ना ऑब्जेक्टिव समेत वही पढ़ा देते हैं त्रिभुज से उतना नहीं आता है समझ में आ गया ना क्षेत्र वाला तन भारी है हैं अरे बहुत ईजी चैप्टर है कंसेप्ट थ्योरी ही नहीं क्लियर सबसे बड़ा दिक्कत ये है क्या ताश भारी होते हैं अब लगता है भारी कुछ है ही नहीं जो पढ़ते हो उस बारे में पढ़ो ताश सवाल कर पढ़ते थ्योरी तो ताश होता क्या है क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल है क्या आखिर आखिर बीच क्षेत्र पायरस पर आया कहाँ से बेलन कहते हैं जो भी होते हैं पायरस पर हुआ कैसे ये जब जान जाओगे ना वक्र पृष्ठ क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्या होती है तब बनेगा सवाल वैसे सवाल बनता है सीधा सूत्र याद करने सवाल कभी नहीं बनता है लोन करेगा तुम सवाल तो सूत्र सीधा याद किए सवाल किसे बनेगा प्रूफ करके पढ़ो खैर वृत्त जो है ना चैनल पे वृत्त पूरा पढ़ाया हुआ है बढ़िया तरीका से इस कारण से वृत्त भी नहीं पढ़ा रहे हैं चैनल पे हाँ अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं नहीं देखे टाइमिंग एगो मतलब बता रहे हैं कि यदि हम चले जाएंगे तब यदि चले जाएंगे ना चैप्टर दिया हुआ है देखो ना यूट्यूब पर पता चल जाएगा यूट्यूब खोलो ना उसमें पता चल जाएगा चैनल पर सारा चीज है सर्च मारना पड़ेगा सर्च नहीं बता देते हैं यूट्यूब खोलो चैप्टर नहीं तुम लोग को बता देते यदि हम चले जाएंगे ना तो कैसे चैनल खोल करके मेरा चैनल देख सकते हो वीडियो को उसमें फ़ायदा बहुत होगा नोट्स भी तुमको तो ग्रुप में है ही अभी डाले हैं जो टेलीग्राम पर नोट्स मिल ही जाएगा है ना ये भी जानकारी भी जरूरी है तो दसवां किसे पढ़ोगे बता देते हैं सब्सक्राइब क्या होगा तो उसी में रहता है सब्सक्रिप्शन में ऐसे सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो सब्सक्रिप्शन जाओगे तो यहाँ से सर्च मार करके अब इसमें खोज लेना इसे एक बार खोज लेने के बाद नहीं इसका सब्सक्राइब नहीं है तो हम इसमें सर्च मार लेते हैं सब्सक्राइब किए होंगे सर इंटर ब्लॉक को आ गया ना और ये फोटो दबाओगे उसमें चला जाएगा अब देखो यहाँ से जैसे करोगे सीख लो कैसे देखा जाता है वीडियो में उसमें 700-800 से ज़्यादा लेक्चर है काफ़ी लेक्चर हैं होम में जाओगे यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना जो भी डालेंगे तो पता चल जाएगा होम में वीडियो में ये बना हुआ ना पूरे लिस्ट इसमें डाला हुआ है सीरियली 1-2 लिखा हुआ है अलेबंद का देखो जैसे इसमें कि पूरा मैथ है अलेबंद का पूरा फिजिक्स अलेबंद पूरा केमिस्ट्री है ना डाला हुआ पूरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 111 डिश बना है मैथ में अलेबंद में 111 इसी में होगा इसी में सब टोटल इसी में है टोटल इसी में 111 है 107 लिखा हुआ इसके नीचे 107 सब 20 का लिखा है लेक्चर 107 लेक्चर 106 ऐसा करके सब बात लिखल है और सबसे नीचा मिलेगा एक नीचा सबसे क्या मिलेगा एक देखो है ना सीरियली सब सीरियली लिखल होगा टोटल चीज़ टोटल एकदम बात लिखल है इंटर का हो गया ये तुमको दसवां खोज देते हैं इंटर का है ना नीचा से ऊपर एक से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 से लिखा हुआ है अब इसमें देखो दसवां केमिस्ट्री पूरा है लाइन बाय लाइन इस रिटर्न सर ने लो चले जाएंगे यूट्यूब चेक कर लो दसवां का पूरा पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पर दसवां यूट्यूब डाल रहे हैं सब 41 वीडियोज बना हुआ है देखो आवर सारणी क्लास में पढ़ाए हैं ना आवर सारणी भी पीरियड टेबल है लिखल है किस लेक्चर में क्या चीज़ पढ़ाए वो लिखल है इसमें पढ़ाए हैं वैलेंसी एल के इसमें पढ़ाए हैं लिखा हुआ है ना वैलेंसी उसके बाद क्या है क्या लिखे हैं उसके बाद हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन साइज ऑफ एटम इन पीरियड टेबल आवर सारणी पढ़ाया हुआ है उसमें देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है सब चीज़ है ना पढ़ाया हुआ कोवेलेंट बॉन्ड और तू जो पढ़ा है अभी पहला चैप्टर क्या पढ़ा था एगो जो डिश बोले थे परमाणु अणु क्या होती है केमिकल फार्मूला क्या होता है इसमें बताया गया दो गो डिश है ये दो डिश उसके लिए है जो कुछ नहीं जानता है फिर केमिकल रिएक्शन वो जो चीज़ तुमको ये प्राइवेट वीडियो है इन्हें देख डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है अम्ल क्षार अभी अभी मान लो तुमको पढ़ना है घर पर या पढ़ना चाहते हो जाओ लेक्चर देखो दूसरा क्लास है ना लिखा है यहाँ यूनिट 2 लेक्चर कितना लिखा है वहाँ ऊपर में देखो लिखा है लेक्चर लेक्चर लिखा है 10 या खोलोगे ना
यहाँ लिखल मिलेगा, आम्ल क्षार इसमें पढ़ा है, देखो लिखा हुआ है ना, लेक्चर कितना लिखा हुआ है, यहाँ से लाइक कर देना, तो यहाँ से ऐसे देखा लेक्चर लिखा हुआ ऊपर में देखो ना कोना में, देखो ये कोना जो दिख रहा है ना, लेक्चर क्या लिखा हुआ है 20, उसका क्या लिखा हुआ है 19, और पहले क्रम से देखो लिखा हुआ सब बात इसमें, कौन डिश कितना है तो सब बात लिखा हुआ है, 16 17 18 19 20 लिखा हुआ है, तो केमिस्ट्री यहाँ से पूरा कर सकते हो, और यहाँ भी लिखा हुआ है लेक्चर नंबर कितना लिखा हुआ है 16, तो तुमको देखना पड़ेगा सीरियली से 1 2 देखोगे तब ना समझ में आएगा, कहीं कहीं से मत देखना, तो केमिस्ट्री यहाँ तू कर सकते हो पूरा, अभी भी जाकर पढ़ सकते हो जो चीज़ पढ़ाएंगे, ये केमिस्ट्री पूरा लाइन बाय लाइन हो गया शुरू से अंत तक, एक भी छोटा हुआ नहीं है, और नोट तुम्हारे टेलीग्राम पर डाल देंगे ग्रुप में, ये मैथ हो गया। उसके बाद देखो ये नहीं पढ़ने से टेक्निकल 12th का है, इंजीनियरिंग का डाला हुआ है, 10वां का मैथ नीचा होगा सबसे नीचा, ये 10th मैथमेटिक्स 80 10वां का मैथ का, वो लोग कम है 80 है पूरा, उसमें मोबाइल नहीं लिए थे, और जो पढ़ते हो ना सर्कल देखो वृत्त, वृत्त एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त पूरा पढ़ाया हुआ है समझ रहे हो ना, और वृत्त का देखो 37 मिनट में हैं, एक एक डिस्क थोड़े वृत्त है, एक एक वृत्त है, 12.1 सर्किल है, सब सर्किल है देखो ना, सब सर्किल है, एक एक वृत्त है थोड़े, पूरा वृत्त है, वृत्त क्या डिस है, 1 2 3 4 5 6 7 डिस है, और हो सकता है छूट गया होगा, लेकिन रियल नंबर, अब रियल नंबर को पढ़ना चाहता है तो रियल नंबर उसके लिए है, देखो है ना रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या है ना, बहुपद है ना, 2 4 जाकर पढ़ो पूरा क्लास के डाला हुआ है सब चीज़, जाकर अभी भी पढ़ सकते हो सब चीज़ मिल जाएगा इससे, यदि चले भी जाते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होगा, आ इसमें प्रूफ के साथ बताया गया रियल नंबर यहाँ भी है, सब लिखा हुआ 56 55 56 57 58 59 नहीं लिखा है, बोलो तो सर्कल यहाँ भी है, नहीं कि सर्किल वहाँ भी सर्कल, ये भी सर्किल है, ये महीना सर्किल 5 दिन में खत्म हुआ, आगे भी सर्किल, जब सर्किल कनी चैप्टर होती है लिखल है लेक्चर 54 ठीक है, तो है लेक्चर 54 लेक्चर 55 लेकर आसपास लिखा पर में पढ़ाएं इसमें है, और 10वां तू देखो कहते हो त्रिभुज पढ़ाइए, त्रिभुज ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ है इस पर, ए थ्योरम 25 मिनट में, एस समरूपता पर में 35 मिनट समझाए हैं, एस क्या होती है देखो ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, ज्योमेट्री जाकर पढ़ सकते हो, त्रिकोणमिति भी पढ़ाया हुआ है, त्रिकोणमिति कहाँ से पढ़ाया हुआ है, त्रिभुज ज्योमेट्री सबसे अच्छा बात है, त्रिभुज पढ़ाया हुआ है, आज जो तुमको नहीं आता है, आज जो चीज़ अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, हो सकता है छूट जाए तब तक चले जाएंगे निकल जाएंगे हम, तो त्रिभुज यहाँ से कर सकते हो, इसे ज़रूर पढ़ लेना, और कहीं अगर चैनल विजिट मत करना क्योंकि समझ में नहीं आएगा तुमको, अब प्रायिकता जो पढ़ रहे हो ना वो डालल है, देखो जैसे ई प्रायिकता लेक्चर नंबर कितना है 36, एक्सरसाइज 15.1, इसमें कौन कौन सवाल मिलेगा, इसमें 22 नंबर मिलेगा सवाल, 23 मिलेगा, 24 मिलेगा और 25 मिलेगा सवाल, यह सब बात लिखल है, इसमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, इसमें मिलेगा सम कम को समकोण क्या होती है, न्यून कोण क्या, अधिक कोण क्या होता है, पूर्ण कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, संगत कोण, ये सब मिलेगा इसमें पढ़ने, बेसिक इसमें दिखाया गया है, फिर अंतः कोण क्या होता है, थेल्स पर में क्या होती है, यहाँ विलोम क्या होता है, यहाँ है सब बात लिखल इसमें है, अब क्या चाहिए इससे अधिक है, सब हेडिंग में लिखल, भटकना ना पड़ेगा तुमको, प्रोबेबिलिटी भी इसमें पढ़ाया हुआ है, माध्यमालिका बोला भूल गए हो ना, अभी लगते तुम्हारा बनिए रहा है, अब पहले चलिए माध्यमालिका बोला के देख लो, इसमें माध्य पढ़ाए हैं, माध्य निकालने की विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पाकुचलन विधि बताया गया है ना, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देखो पढ़ाया हुआ है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ है ना, कौन कौन क्वेश्चन किस में बताया गया वो भी लिखा हुआ है, देखो सब बात लिखल है, उसके बाद तुमको आयतन समझ में नहीं आता है, एक बार नहीं सब चैप्टर पढ़ाए, अभी पढ़े हो ना क्षेत्रफल समझ में नहीं आता, जाकर देखो डेली लेक्चर, देखो पीछे क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है, आयतन NCERT एक्सरसाइज 13.1 लेक्चर नंबर 17, एक्सरसाइज 13.1 लेक्चर नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ऐसे करके लिखा हुआ है, सब बात फुटा के लिखल है, देखो फोटो सब सही है, खोल के देखोगे तो पता चलेगा कितना चीज़ मैंने पढ़ाया है, तो सब बात इसमें क्या है डाला हुआ है, देखो डाला हुआ है ना, त्रिकोणमिति पढ़ाया हुआ है यहाँ से 8.4 से पढ़ाए हैं, 8.1 जितनी नहीं है इसमें क्योंकि 8.4 में मोबाइल आया था, और ग्राफ पढ़ना चाहते हो अभी से 10वां ग्राफ, तो ये कुछ डी से हैं, ये काफ़ी वो 3 साल 4 पुराना लेक्चर होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें पढ़ाया हुआ शायद यूट्यूब पर नहीं है, मिला क्वाड्रेटिक मिला था अभी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ वाला नहीं मिला होगा शायद, ग्राफ वाला नहीं मिला होगा, वो पहले पढ़ाए थे, इसीलिए वो चैप्टर क्या करते हैं हम लोग पढ़ा देंगे तुमको इसके बाद वही चैप्टर, अब बाकी जो चीज़ इसमें अभी चैप्टर नहीं हुआ है ना क्लास में सब इसमें डाला हुआ है, और 3.1 डाला हुआ शायद नहीं है, रियल नंबर है डाला हुआ, सो रियल नंबर है, रियल नंबर भी है, रियल नंबर पूरा डाला हुआ है, अरे बहुपद भी है, ग्राफ भी है, वो डालल है, बहुत कुछ डाला हुआ है चैप्टर, देखो ना बहुपद है डाला हुआ, यदि चले जाएंगे तो खोल करके यहाँ से पूरा चीज़ पढ़ सकते हो, ये तो हो गया पूरा मैथ, यानी कि जितना मैथ अभी तक उनको नहीं हुआ है उतना सब इसमें क्या है, मैथ में क्या नहीं हुआ है तुमको अभी, प्रोबेबिलिटी चलिए रहा है, उसके बाद
वृत नहीं हुआ है पूरा, यानी कि क्षेत्रफल वाला नहीं हुआ है, क्षेत्रफल वाला इसमें है, ज्योमेट्री नहीं हुआ है, ज्योमेट्री पूरा इसमें है, और क्या नहीं हुआ है, ग्राफ वाला जो नहीं हुआ है सब चीज़ इसमें डाला, रियल नंबर भी इसमें अभी नहीं देखा, रियल नंबर है, रियल नंबर भी है, तो अच्छे से आप कहेगा दिखता नहीं है, देखो क्वालिटी जैसे देखा, ग्राफ नहीं जानते हो, ग्राफ सीखना चाहते हो, आप देखो ग्राफ खोला यहाँ से ऐसे कर लेना बड़ा, और यहाँ से इसको दाबेगा तो यहाँ से क्वालिटी है ना लिखा, तो क्वालिटी को बढ़ा लेना 360 में कर लेना, अब इसमें सब चीज़ दिखेगा, देखो सब चीज़ दिख, चलाएंगे सब चीज़ दिखेगा, यहाँ से देख सकते हो सब चीज़ दिख रहा है ना, आवाज़ नहीं सुना दे रहा है, सब चीज़ सुना देगा स्पष्ट तरीका से, क्वालिटी यहाँ चेंज कर सकते हो सब बात, देखो ग्राफ आगे जाकर डिस्कस किए होंगे, और तुमको अच्छा क्वालिटी चाहिए नेट है तो नेट है तो क्वालिटी कितना कर लो 480 में कर लो, 1080 तक देख सकते हो एच डी क्वालिटी में, जितना एच डी बार उतना 1080 में भी दिखाई देगा, नेट हो जाएगा तो भी देना जाएगा, तो मतलब एक मतलब बता रहे हैं यूट्यूब फीचर सब फीचर इसमें है, समझ में आ गया ना, तो देखो सब चीज़ है इसमें, ग्राफ सब चीज़ डिस्कस किया गया है, देखो ग्राफ बताएं डिस्कस करने के लिए, दिख रहा है सब चीज़ अच्छे तरीका से पढ़ सकते हो, हल्ला करने वाला अंकित है ही उसमें, दो कसर छोड़ता नहीं है, वो भी क्लास तो इसने होगा है हल्ला करने में, हल्ला करता है लेकिन समझ जाओगे सोची बढ़िया से, अब क्योंकि मेरे पास मैक है ना, जैसे वीडियो बनना था मैं कहीं पावर मेरे पास ज्यादा रहेगा सबसे अधिक, हमारा बात सबसे अधिक सुना देगा, उसके बाद कम देगा सुना ना, तो सुना देगा बढ़िया से, यानी कि कल्याण हो जाएगा यदि नहीं रहेंगे तो, मतलब ये हम समझा रहे हैं, अरे पढ़ने लोगे यूट्यूब से, यदि चले जाएंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते तो पढ़ लेना, सही डाला हुआ, उसके बाद मैथ वाला सिखा दिए, फिर देखो फिजिक्स खोलेगा ना तो लिखा हुआ है, लिखा है ना, अभी जो पढ़ा रहे हैं अभी तुम लोग का ये डिश बन रहा है, मैथ 10 फिजिक्स 2021 क्लास 10 2021 अब की बार है, अब की बार वाला ये सब डिश है, ये वाला बना रहे हैं, फिजिक्स देखो पहले वाला, ये डिश किस वाला है, अब की बार वाला ऊपर मिलेगा ना बिना बैनर का, ये अब की बार वाला पहलू का वाला था जिसे बनर लगल है, तो अभी देखो फिजिक्स भी पढ़ाया हुआ होगा, दसवां टेंथ फिजिक्स लिखा है ना, सबसे अंतिम में मिलेगा फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री पूरे मिल जाएगा, है ना, दसवां फिजिक्स लिखा है, देखो अभी क्या नहीं पढ़े हो, करंट पढ़े हो, मैग्नेट पढ़े हो, नहीं इसमें करंट मैग्नेट है पढ़ाए, देखो इसमें पहला चैप्टर ही पढ़ाया हुआ, बेसिक इन कॉन्सेप्ट बोर्ड में पढ़ाए, काफ़ी पहले का लेक्चर ही है ये, काफ़ी पहले लेक्चर होंगे, देखो कितना साल हो गया इसका, दो साल पहले लेक्चर ये है, और है ना कितना है डेट लिखा होगा इस पर, नहीं है डेट लिखल 28 अक्टूबर 2017 का लेक्चर ये है, समझ रहे हो ना, यानी कि 19-20 अढ़ाई 3 साल लगभग हो चुका है, तो ये है डाला हुआ, तो खैर यहाँ तू ये तो पढ़ा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट में जूल के लॉ डाला हुआ है, मतलब 2-3 डिश नहीं है, उसके बाद सब चीज़ पढ़ाया हुआ है, जूल के लॉ क्या होता है, विद्युत बल्ब सब चीज़ क्या है इसमें, अब मैग्नेट पूरा इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि 1, 2, 3, 4 डिश है करंट डाला हुआ, यानी कि आधा करंट और मैग्नेट पूरा, आधा करंट तो पढ़ा ही देंगे, केमिस्ट्री पूरा लेना यूट्यूब पर डाला हुआ है, मैथ जितना नहीं हुआ सब डाला हुआ है, यानी कि टेंशन नहीं लो उतना, जितना होगा उतना कर ही रहे हैं, यदि चले जाएंगे नहीं रह पाएंगे यूट्यूब से कर लेना, और नोट्स तुम्हारे पास सब चीज़ हम भेज देंगे, नोट्स खैर कर लेना उससे, क्या कहना है, अगले वाला ग्रुप में जोड़ देंगे, ग्रुप में अगले वाला ग्रुप में, अगला वाला ग्रुप सब कंटेंट डालिए, पासपोर्ट आपके अथी का टेलीग्राम टेलीग्राम में पासपोर्ट नहीं होता है, आप कौन सी आता है पूछो ना आपसे, हम जोड़ेंगे तभी जुट पाओगे, नहीं जुट पाओगे जोड़ देंगे हम, समझ गए कैसे खोलेंगे, तो अभी भी जाकर मन है पढ़ने का, मान लो फिजिक्स या जो चीज़ केमिस्ट्री नहीं हो रहा तू चाहते हो और जल्दी ख़त्म कर लेंगे, जब पढ़ो ख़त्म कर लो जल्दी, क्या दिक्कत है, डाला हुआ है पहले से, इंटर वाला चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है, जाकर फिजिक्स पढ़ लो केमिस्ट्री पढ़ लो, व्यवस्था सब कर दी रिकॉर्ड कर, जितना पढ़ रिकॉर्ड कर लें, जाकर दिक्कत नहीं हो, चलो अब हम टॉपिक पढ़ लेते, क्या नोट फालतू बताए थे उसमें, देखो 14 क्या बताए, दो तीन को दूसरा बताना है, पेज कहाँ है, पेज उधर है, हाँ पढ़ना होगा तो जब मोबाइल खोलो यूट्यूब से सीरियल डाला सिखा दिया सब चीज़ हमने, जा करके अध्ययन करो सब चीज़ को, सहरसा का लेक्चर फिजिक्स वाला, हाँ चौथा बताना है, तीसरा बता दिए, चलो 4 नंबर में चलो, यहाँ देख लो, पान का गुलाम क्या कहा है, पान का गुलाम कहा है ना, क्या कहा है, पान के गुलाम की संख्या, ठीक है, अच्छा पान के गुलाम क्या होते हैं, लव गुलाम छोटा, नहीं पान, अच्छा ई कहा है, कौन पान,
तब कैसे पता चलेगा? गूगल पे देखो किताब इबला, ऐसा थोड़े होता है। आंसर कितना आंसर देखो, देखो 1/52 है आंसर इसका, अधूरा सवाल है। 1/52 है आंसर। एक बटा बावन नहीं है। देखो एक चीज देखो, यहाँ हुकुम लिखा हुआ और यहाँ क्या लिखा हुआ है? तेरा कालापन। तो कालापन का हुकुम भी कहते हो, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? लालपन के क्या गुनाम अलग नाम नहीं, तो पान के गुलाम क्या कहना था? तू लालपन बुझ के चलना, क्या समझ के चलना? लालपन समझ चलना। देख लो एक बार वेरीफाई हो जाएंगे, ये पाने लिखा है कि नया में एडिट किया है कुछ क्वेश्चन में। पान के गुलाम इन्हें कहा कौन पान, क्या कहा है? सिर्फ पान के गुलाम, किसको लेके चलोगे? हाँ वो कहा है पान के गुलाम, तो हम भी लिखेंगे पान के गुलाम, लाल पान नहीं लिखेंगे। तू जैसे करेगा हम वैसे नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना? तो पान के गुलाम की संख्या बोलो क्या होता है? एन ई बराबर पान के एक के ना, पान के गुलाम की संख्या, गुलाम की संख्या। कल जो नंबर दिया था उस नंबर टेलीग्राम नहीं बना हुआ है, बना हुआ है टेलीग्राम उस नंबर से? अकाउंट नहीं बना होगा, सिर्फ इंस्टॉल किया होगा। अकाउंट नहीं बनने आ नहीं रहा था, मैंने काफ़ी मेहनत किया नहीं आया। अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ेगा नाम ठेका मोबाइल नंबर देना पड़ता है। टेलीग्राम जैसे व्हाट्सअप होता है ना, वैसे तब अकाउंट बनेगा, तब हमारे सर्चिंग में आएंगे नंबर, वैसे नहीं आता है नंबर। खाली टेलीग्राम डाउनलोड करने से थोड़े होता है, नहीं तो लेकर ना हम कर देंगे सब। बने का गुलाम है इसमें, बने गुलाम में भी है तो ठीक है, समझ जाना। लालेपान, लालेपान है क्योंकि कालापान का हुकुम भी कहते हैं। बहुत जगह हुकुम मिलेगा, कालापान नहीं लिखल मिलेगा, लेकिन हम तो खोद के सब लिखे हैं उसमें, जहाँ जहाँ आदर रूप में मिलता है। तो पान के गुलाम की संख्या, तो चलो तो क्या होता है? एगो होता है। कोनो पान हो, एक एक कोना पान ले चलो, एगो होता है, बात खत्म है। कितना पान गुलाम होंगे? कोना पान एगो ले लेंगे, इन्हें कहा है कौन पान? अच्छा तो बोलो पी ई बराबर क्या होगा? एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस, 1/ कितने होंगे? 52। सब सुविधा है, 11 तो नहीं मिलेगा ना मास्टर, मेरे चैनल से पढ़ लेना, डेली रीस है। मेहनत रखना चाहते हो यदि कोई नहीं मिल जाएगा, 2019-20 में पढ़ाए थे वो लेक्चर है, 2021 में पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर है, लेकिन 2021 का पढ़ना क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ बताएं, और जो 2019 में 21-20 में डिस्कस हुआ था और रिटेल मैथमेटिक्स पढ़ाए गए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ से पढ़ लेना। कमीशन तैयारी करना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक का पढ़ाया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाया गया, वो कंपटीशन का ही सिलेबस है, वहाँ से कर सकते हो अच्छे तरीका से। बस केमिस्ट्री वही गर्दा वाला है, हैं सब चीज़ पढ़ा दिए हैं विद्यार्थी के, गाँव गाँव ने सब व्यवस्था कर दिए हैं ताकि नहीं हम रहते हैं, पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है फ्री में, पैसा नहीं लगे, एक भी टका नहीं लगेगा। 5 नंबर में चलो, इसलिए तो सब अभी जितना कह रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता समझ में आ गया ना? आ खाली रिचार्जवा कराते रहना अपना बढ़िया से अच्छे तरीके से, समझना 300 टका हमने रिचार्ज दे रहे, 400 सी क्वालिटी करे देखना बढ़िया क्वालिटी में। 360 मान लो अच्छे से दिखाई देंगे, फिर भी तुम्हारा मन है कि और अच्छे से दिखाई दे, 480 कर देना, उससे अधिक नहीं बढ़ना क्योंकि नेट तो सुरेख लेगा पकड़ के, 480 से आगे मत बढ़ना। 400 में 360 में ठीक रहता है, 2-3 घंटा आराम से देखोगे तब सटेगा 500 MB, 4 घंटा देखोगे तो 1 GB तब सटेगा, ये हो 360 में क्वालिटी में है। तो हुकुम का पत्ता, तो बता हुकुम का पत्ता, इसीलिए कहा हुकुम का पत्ता क्या होता है? अच्छा हुकुम का पत्ता निकले, एक पत्ता निकालेंगे तो कौन पत्ता निकले? तो हुकुम में क्या पत्ता होता है? 13 को पत्ता बना, 13 को। तो हुकुम के पत्तों की संख्या, हुकुम के, अब बहुत को खोजने नहीं आता है, बिना ताश को पढ़ाए कैसे हुकुम मर के तेरे पता ऐसे होता है? हाँ। तेरे को हुकुम होता है ना सर? चलो आगे बढ़, लिखे थे ना जी सर, हुकुम के पत्ते की संख्या। बिना ताश की चाट बनाए पता नहीं, तो यार क्या समझता है ना, एग्जाम में क्या होती है क्वेश्चन, तब छोड़ के छाप लिया आराम से चला गया, अपना दिमाग कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए बनाते रखते हैं। देखो गिरो तू क्या, तेरे को पुरता है कि नहीं, है ना तेरे को? हाँ तब आगाम बढ़ो, ऐसे करके चलेंगे, ऐसे चलते, यस सर जी सर, खूब बढ़िया। उसको थोड़ा मतलब है, हम समझ नहीं समझे स्टूडेंट को, थोड़ी ना पता उसको, स्टूडेंट को स्टूडेंट मतलब नहीं होता है, ठीक है कोई बात नहीं है, पता नहीं सर मस्ती कर रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक चला रहा है, हाँ ये कर रहा है क्लास में, क्या मतलब है उससे? ए नहीं बराबर,
तो पी बराबर क्या है उसको पढ़ना है नहीं, वो तो सिर्फ मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन के लिए आया, फर्स्ट डिवीजन देखा कि सर के पास अगले बार फर्स्ट डिवीजन के तो हम भी जाएंगे तो क्या कर जाएंगे फर्स्ट डिवीजन, ये सोचते इन्हें सोचता है मेहनत किया तब फर्स्ट डिवीजन किया, उसके पास किए तो हम भी जाएंगे तो हो जाएंगे, ये होती है बात जाति का आजकल मैनिपुलेटिव ये है, ऐसे कि ऐसा कुछ होता नहीं है सर जी बोलेगा यहाँ से एक भी फेल नहीं हुआ। हाँ हम कहते हैं पढ़ेगा तभी पास, नहीं तो पास पहले कहते पढ़ेगा तो नहीं तो फेल सीधा। हाँ उसमें लेटर वाला बात ऐसे नहीं, भस्मासुर है माथा बांध देंगे तू पवित्र हो जाओगे तू पास कर जाओगे, पढ़ेगा तो पास होगा, रोज आएगा मेहनत डेली करेगा तो सक्सेस करेगा नहीं तो फेल मार जाओगे, सीधी सी बात है। तू दुख मानो कि जो करो लेकिन सच्चाई कहेंगे, यानी बराबर तेरे बटा क्या होगा, तेरे बटा क्या कहेंगे, बावन तेरे चौके एक बटे चार हो गया, कुछ है कठिन तू जो मन है लो कोनो बुक उठा सवाल सब बनेगा तुमसे सवाल, लेकिन टेंथ स्टैंडर्ड का अलेवंथ में प्रमोटेशन सब कमीशन तू नहीं बनेगा, टेंथ स्टैंडर्ड का सारे सवाल तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। छः नंबर में क्या कहा है, एक एक ईट का बेगम, किसका बेगम कहा है, ईट का बेगम, आप बताओ ईट में कितना ईट है, ईट में यानी कि डायमंड कितना पत्ते होते हैं, ईट का बेगम क्या गो है, एक के गो है, तो ईट के बेगम की संख्या बराबर एक, एक बटा तो एक, तो एनी बराबर, अच्छा तुम मुँह से कर सकते हो सवाल, क्या कॉपी के लिए जरूरी है, मुँह चला गया ईट के बेगम का इतना बटा इतना हो जाएगा सीधा सीधी, समझ में आ गया ना, तो कुल ईट की संख्या, ईट के बेगम की संख्या एक, ईट कुल ईट के बेगम की संख्या, अब देखो यूट्यूब तुम्हारे पास फीचर्स किया है, अगले बार जितना पढ़ाए थे सब पीडीएफ तो नहीं, दो पार्ट तीन पार्ट बांट कर पीडीएफ है, तो तुम उस पर भी जैसे अभी लिख रहे जिसमें लिख रहा है ना तो रोक करके भी जो लिख सकते हो, जैसे हाथ हटेबे करते हैं ना रोक कर रोक देना उसको फिर क्या करना लिख लेना, या पीडीएफ भेजेंगे उससे लिख लेना, मैथ को ऐसे लिख लो मैथ लिख लो ऐसे, केमिस्ट्री भी लिख लेना शॉर्ट नोट्स अच्छे से बन जाएंगे। और दूसरा बात क्या है, केमिस्ट्री का पूरा फेयर तुम्हारे पास है ही पहले से, ग्रुप में भी डाला हुआ पीडीएफ पूरा, या अंकित का कॉपी होवे करे कॉपी उसे लिख लेना फिर बस हो गया, अच्छे तरीका से दिमाग मत लगाना इधर उधर को, केमिस्ट्री पढ़ोगे इतना डिटेल चर्चा नहीं करेंगे या मैथ में ही तो टेंशन नहीं लो उतना। ई बराबर कुल ईट के बेगम की संख्या बराबर एक, तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे क्या हो जाएंगे एन एस हो जाएंगे, तो बराबर एक बटे क्या होंगे बावन हो जाएंगे आंसर, है ना। चलो ताशे पढ़ा रहे हैं तो आज ताशे पढ़ा देते हैं पूरे, ताश के पांच पत्तों ईट का दहला, ताश से कितना पच्चा पांच पत्ता, ताश के ईट का दहला, दहला मतलब क्या होता है दस, दहला मतलब नौ, ये सब जानता होगा क्या कहा है ईट का दहला, ईट कहाँ है ईट का दहला, यानी कि ईट का दहला, ईट का दहला और फिर ईटे का गुलाम और फिर उसका बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है और फिर इनमें से एक पता निकाला जाता है, देखो सब पता को नहीं कहा है उसमें चुन करके, चुन करके है ना, ताश के पांच, ताश में होते हैं बावन लेकिन हम कितना लिए हैं मात्र पांच गो के लिए हैं, क्या को पांच गो चार गो है कहाँ गया, हाँ पांच पत्तों को ईट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार क्या करते हैं फेंट देते हैं, समझना है, ताश में होते बावन पत्ता सबको नहीं लेंगे, क्या किए ताश में लिए ऐसे खोले, अच्छा ईट का है दहला अलग कर लिए, ईट का गुलाम है अलग कर लिए, ईट का बेगम और ईट का बादशाह इक्का क्या कर दिए अलग करिए, और फिर उसको क्या किया ऐसे था ना फोटो मोड़ दिए और तब बढ़िया ऐसे ऐसे करके फेंट फाड़ दिए ऐसे कर दिए, अब पता निकलना उसमें से पाँच में से, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी क्या परागता है यह पता एक बेगम है, एक पता निकालेगा उसमें से, क्या पता लिया था तू पांच, कौन कौन लिया ईट का दहला सबका ने ईट का बोला है, ईट का दहला गुलाम बेगम बादशाह इक्का, अब बढ़िया से झांप करके अब बढ़िया से मिला करके एक पता खींचना है, याद रिक्शिया मतलब बिना देखा नहीं कहता है ताश में, फेंट दिया आदमी चलो लो खींचो नहीं कहता जी चलो धर दिया, उसी प्रकार से यहाँ भी प्रोग्राम करना, एक पता निकालते हैं हम क्या चाहते हैं, इसकी क्या संभावना हो कि पता बेगम में निकलेगा एक बटे पाँच, एक क्या पता को निकले बेगम में निकले, तो पहले देखते क्या पता है, दिए गए पत्ते तो
दिए गए क्या निकालना है? पत्ता। दिए गए पत्ते निकालना है। कितना टाइम हुआ? दिए गए पत्ते निकालना है, ठीक है। अभी दिए गए पत्ते है ना, तो कौन कौन पत्ता दिया गया है? ईंट का दहला, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, पचका की बादशाह, छक्का, सट्टा, छक्का, जो भी खाता होगा। और दहला, नहला, चलो बादशाह और इसका, अरे तापा लगा दो, वही सब संख्या होता है, सीधा सीधी समझ में आ गया ना? एक का दुग्गी है ना, इस प्रकार से। अब देखो एक नंबर में इसकी क्या प्राकता है, यह पता है कि बेगम है। तो अच्छा ये बताओ पहले, एन एस बराबर क्या होगा? सैंपल एसेस में क्या अवयव होगा? एक, दो, तीन, चार और पाँच, यही ना होंगे? अरे कुल घटना तो पाँच एक होंगे ना, वही पाँच में से निकालना हमको है। तो पहला केस में क्या निकालना है? ईट यह पत्ता एक बेगम है, इसकी क्या प्राकृतिक पत्ता क्या है? बेगम, वो इतने में से निकालना है, 52 में से नहीं, फिक्स कर दिया इतने वर्ष आपको काम करना है, इसमें से खींचेंगे वो पत्ता, तब देखेंगे की होता है। तो यह पत्ता बेगम होंगे, तो यह पत्ता बेगम होंगे, तो एन ई बराबर बेगम की संख्या, बेगम की संख्या, बेगम की संख्या क्या को बेगम है? एकटा बेगम है। तो पी ई मतलब कि पी ई यहाँ लिखा जाता है, एक बेगम निकले, क्या बेगम निकले? तो एक पी ई मतलब एक बेगम निकले, इसको लिखा जाता है ना पी, यह पत्ता एक बेगम है, ऐसे होती एक्चुअली में, यह पत्ता एक बेगम है, यह पत्ता एक क्या है? बेगम। यह पत्ता एक बेगम है, बोलो यह पता है क्या है? बेगम है, बेगम है। अच्छा बेगम यानी कि पी बराबर एन ई बटे, एक बार देखना ब्रिज जा करके क्या पढ़ाए हैं दसवां में, तब पता चलेगा है ना, तब कहना एन ई बटे, एन ई बराबर एक है, एन एस पता कितने हो गया? एक बटे पाँच हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पता एक ही का और एक बेगम है? अच्छे सवाल है, सुनो क्या कहा है इसमें। यदि बेगम निकल आता है, पहला केस में क्या निकाले थे? बेगम। यदि बेगम निकलेगा ना, मान लो कि ये पांच को पत्ते हैं, एगो कलम और लो उधर से है ना, तो सब पता अलग अलग होगा, पांच को है ऐसे करके, चार को हुआ ना अलग कलर का लो ना, दो दो चार, छोड़ो, तो पांच को हो गया, समझ में आ गया ना। मान लो अलग अलग पत्ता, अलग अलग, इसी का नाम है बेगम, एगो फलना चिलना है, इसको मान लेते हैं बेगम, ललका वाला क्या है? बेगम, बेगम मान लेते, ईंट का बेगम, ईंट है ना, और उसका बेगम लाल होता है ना, इसीलिए उसको मान लिया, ठीक है। ये पत्ता बेगम है, पहला केस में पत्ता कितना है? पाँच को, एगो पत्ता निकाले अभी ने देखा नहीं, ऐसे निकाल लिए, क्या किसकी संभावना है? बेगम की संभावना, उसकी संभावना कितना? एक बटे, यानी कि पाँच बार निकालेगा ना, तब चांस है कि एक बार आ जाए, अरे पाँच को पता है ही, और सब निकालेगा तो एगो नहीं चांस आ जाएगा, उम्मीद है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा पहला केस, दूसरा केस में क्या कहता है समझना, दूसरा अच्छा क्वेश्चन, दूसरा केस में अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा केस में कहता क्वेश्चन है कि यदि बेगम निकलता है, यदि क्या निकल जाएगा? बेगम। यदि बेगम निकल जाता है तो उसे अलग रख दिया जाता है, मान लो ऐसे ऐसे किए और बेगम निकल गया, अलग रख देंगे हटा के, यहाँ से इसमें क्या करें, यहाँ से निकाल करके अलग रख दिया, यदि बेगम निकल गया उसे अलग रख देंगे, तब की करेगा गाँव? उसे यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पता निकाला जाता है, तब एक निकाल लेंगे दूसर पत्ता। मान लो पहला बार यदि एक बेगम क्या हुआ? आया, उसको क्या करोगे? अलग रख दोगे, तब क्या करोगे? एक पता निकालेंगे, तब एक पता निकालेंगे, समझ में आ गया ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पता एक इक्का है? क्वेश्चन में क्या कहा है? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पता क्या हो? एक बेगम, एक इक्का हो, चलो दिमाग लगाओ, एक बटा चार एक न होगा, चार एट है, चार में एक, हाँ उसी प्रकार से होंगे है ना। तो बेगम निकल गया, यहाँ पर बेगम निकल चुका है, देखो बेगम निकल चुका है ना,
तो बेगम निकलने के बाद कुल पत्तों की संख्या बोलो। चार। पहला कुल पत्ते की संख्या क्या बचेगा? चार के बाद यानी कि एनएस तब क्या हो जाएंगे? चार। तब कौन पत्ता निकालना चाहते हो? इक्का। इक्का। पी एक इक्का। क्या को इक्का? एक को इक्का। एगो इक्का निकालना चाहते हैं तो इक्का है क्या को इसमें? एगो। एगो बेगम निकल चुका है ना। क्या पत्ता बचा जाओ? बेगम को अलग कर दिया तब निकाले हैं। बात क्वेश्चन में कह दिया है पहला के निकाले थे ना बेगम निकला तो अलग कर देंगे तो चार के में चार में चूज करोगे नहीं पता को नो तो चार एक बटा क्या हो जाएंगे? चार। इसमें क्या का निकालने के लिए पी एक बेगम है आ देखो कितना बेवकूफ बना रहा है ये है बेगम तो निकाल करके पहले रख दिया अब बेगम खा खाएगा इसमें से क्या बेगम है इसमें वो तो पहले निकल रख दी अब तो कहते बेगम इसमें से है कहाँ बेगम है रहेगा तब ना है ही नहीं तो बेगम यानी कि जीरो बटा क्या हो जाएंगे जीरो बटा क्या हो जाएंगे जीरो इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गया रहेगा बेगम तो ना बेगम निकालोगे समझ में आ गया ना तो आज यहीं स्टॉप करते हैं और आगे फिर हम लोग कल काम करेंगे इस पर।